आप सही लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ और सभी पे भोलेनाथ की कृपा बने रहे। और आज हम आए हैं प्राचीन शिव मंदिर कुंगेश्वर महादेव। कैसे हो सकते और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को सभी लोग जल चढ़ाने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और मेले की रौनक आपको दिखाते हैं। देखिए सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी खिलौने यहाँ पर है ना। बहुत अच्छा कर रखा है आप लोगों ने। और आप देख सकते हैं हमारी ये बहन यहाँ पर फल फूल लेके भी आए हैं, फ्रूट्स सभी तरह के, और जलेबी यहाँ पे बन रही हैं। भीड़ आप देख सकते हैं मेले में। ये हमारे गाँव का मेला है, कुंगेश्वर महादेव मंदिर पे आप देख रहे हैं। तो इतना खूबसूरत हमारे सभी जगह यहाँ पर गांव के लोग आए हुए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये भाई बाहर से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं गन्ना यहाँ फेमस होता है अदरी गांव का। अभी ले जाएंगे गन्ना हम। वाह, ये कितने का है? 150 का। ये वाला ना? हाँ, यहाँ पे भी है। लेना भी पड़ेगा। हाँ, अभी लेता हूँ। भाई कह रहे हैं लेना पड़ेगा, जरूर दूंगा मैं। गन्ना खाने के लिए आया हूँ उससे। सुंदरदा कैसे हैं आप? जय भोले शंकर। सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। जय हो, जय हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितना खूबसूरत मेला होता है, कितना आनंद आता है मेले में। और जलेबी बनाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं, भाई लोग सुंदर जलेबी बनाते हुए। ये देखिए कितने प्यार से जलेबी बन रही है, और नया तरीका लॉन्च किया है इन्होंने जलेबी बनाने का, काफ़ी खूबसूरत। फिर से ट्रेडिशनल प्रकार से जलेबी बनती हुई। अब आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरह की भीड़ लगी हुई है आज। भगवान शिव जी का मंदिर, भोलेनाथ का ये प्रांगण और ये ध्वज और खूबसूरत वादियाँ आप देख सकते हैं। सामने हिमालय पर्वत, पंचाचोली का दृश्य। मैं भी अपने बच्चों को लेके आया हूँ। देखिए यहाँ से दुकानें सजी हुई, लोग आते हुए। मेले में सभी लोग गांव के एकत्रित होते हैं तो एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो जाता है। गन्ने खूब आए हैं यहाँ, काफी मीठा गन्ना होता है। अभी इसको टेस्ट किया जाएगा थोड़ी देर बाद।
मेले में आते हुए सभी लोग बिल्कुल बच्चों का आइटम रखे हैं हमने और बच्चे प्रभावित हैं हमारे सामान को देखते हुए बच्चों को देखते हुए हमने कुछ ना कुछ मतलब हर एक चीज में रखने की कोशिश की। एक मिनट हमारी है आप मिल रहे हैं हंसा गुरु बढ़िया करके और ब्लॉग इनका है हंसा गुरु हो रहा है हर साल ब्लॉग करके पहुँचते हैं तमाम गाँव के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर हर आदमी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने दुकान खोली हुई है और सब बढ़िया भोलेनाथ के दर्शन हो गए। जय भोले शंकर आपके दर्शन करके यहाँ पर हम मिले हंसा गुरु से और काफी अच्छा उन्होंने बच्चों का आइटम यहाँ पर रखा है और मेले में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं और आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अच्छी चीजें सारे बच्चे खुश। मेले में रंगत ही अलग होती है और ये भाई आए हैं गुड़िया के बाल लेके देखो इन्होंने भी काफी लंबा ऊंचा बना रखा है अभी इनकी भी बिक्री शुरू हो जाएगी है ना भैया बढ़िया चल रहा है ना गुड। यह देखिए तो यहाँ पर तरह तरह के और ये दिखाता हूँ मैं आपको कंदमूल फल तरूर ये है जंगली वाला बण तरूर है ना कंदमूल फल इसको ही कहते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये जाएगा गुरु चौपाता हमारे भग्गू भाई ले जा रहे हैं इसको ये देखिए और इसका जैसा स्वाद जो घर का तरूर होता है उससे भी कई गुना ज़्यादा इसका स्वाद होता है और कई इसमें विटामिन मिनरल पाए जाते हैं और काफ़ी मेहनत से भैया ने निकाला होगा इसको क्योंकि काफ़ी गहराई में पाया जाता है आप देख सकते हैं हाँ 10 फीट नीचे गहरे से कह रहे हैं यही है असली कंदमूल फल। तो मेले की रौनक में बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ भी देखते हैं छोटे भाई लोग उन्हें दुकानें सजा रखी हैं इन्होंने फल फ्रूट बिस्कुट वगैरह लाए हैं वाह और समोसा भाई मेरे ये देखो भाई लोगों को हैप्पी शिवरात्रि सभी को काफी खुश है अपने छोटे भाई लोग है ना महाकाल हर हर महादेव। अब मेरे साथ मेरे बच्चे भी आए थे अब मैं उनको ढूंढ रहा हूँ मेले में खो गए हैं देखते हैं कहाँ मिलते हैं मेरे को अभी थैंक यू छोटे भाई ये गन्ना मुझे पसंद आया और बहुत अच्छा गन्ना है और भाई से मैंने अभी कमिटमेंट किया था कि मैं लूँगा तो मैं इसको ले रहा हूँ और इसको खाने में बहुत स्वाद आता है थैंक यू मेरे भाई। सुबह से ही मन बना के आया था कि गन्ना जरूर लूँगा यहाँ से काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट होता है और बहुत कोमल होता है तो ये मैंने भी बाय किया और देखता हूँ अभी में मेरे को मेरे बच्चे मिल गए हैं आखिरकार। हेलो कृष्णा क्या लेना है बेटा कहाँ है सोमू कहाँ है सोमू कहाँ है बेटा मिल गया ये है कौन सी गाड़ी लेनी है अरे ले लो गाड़ी ले लो इसके लिए दे दो गाड़ी दे दो इसके। तो इस तरह से मैंने आपको दर्शन कराए मंदिर के मेले के कैसा आपको लगा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके इंतजार में रहूंगा मैं थैंक यू। देखो बच्चा बजाएगा बजा बेटा ये।